वेलकम टू एंग्री कोडर्स। इस वीडियो में हम जो किल्ड एरर आता है उसको रिजॉल्व करेंगे। और किल्ड एरर आता है रिएक्ट जेएस में, जैसे आप बिल्ड कर रहे हैं सर्वर साइड में, और एंगुलर में, नेक्स्ट जेएस में, किसी में भी एरर आ जाता है ये। अब ये एरर आता क्यों है? क्योंकि ये स्वैप मेमोरी की वजह से एरर आता है, तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं। अगर आपकी स्वैप मेमोरी पहले से है तो आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इस तरह स्वैप ऑफ करें और उसको यहाँ से रिमूव कर लें, ये स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप इस तरह रिमूव कर लेंगे उसको। और हम आप स्वैप मेमोरी को क्रिएट करेंगे, और ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जितने भी ये स्टेप है ये हम सारे इसको लिखेंगे इसमें। तो मैं अभी सर्वर में हूँ, अपने लोकल सर्वर में हूँ मैं। तो यहाँ से हमने अब देखते हैं स्वैप को, अगर आपका स्वैप होगा तो शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं शो होगा। पहले आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्वैप में शो से, और आप रूट में चले जाएं अपने, वरना आपको बार बार सूडो लिखना होगा। तो हम चेक करते हैं, फ्री डैश एच लिखते हैं, और यहाँ से देखें स्वैप हमें ज़ीरो बता रहा है। उसके बाद हम अगला स्टेप कॉपी करते हैं, और यहाँ से डी एफ डैश एच भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से सारी आपकी डिटेल आ जाएगी। और हम लेकिन अगले स्टेप में जाते हैं और यहाँ से इसको पेस्ट करते हैं, और मैं इसको 2 GB कर रहा हूँ क्योंकि मेरी 20 GB है, तो मैं इसको 2 GB कर रहा हूँ। अगर आपके 10 GB या 1 GB कर दें, और 20 है तो 2 GB कर दें, 30 है तो 3 GB कर दें, इस तरह आप कर सकते हैं इसके साथ। मैंने पहले कम की हुई थी, मेरा फिर भी एरर आने लग गया था बाद में, तो मैंने अब 2 GB किया तो एरर अब नहीं आता, क्योंकि 20 में 2 सही रहता है। ये एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से आप ls -ls करेंगे, और इस तरह ये मैंने गलती से कॉपी कर लिया, तो मैंने इसको देखा नहीं। तो अगले स्टेप में जाते हैं, chmod 600, इसको हम परमिशन देते हैं। तो जितने भी स्टेप आ रहे हैं हमें सारे फॉलो करने हैं, बस कॉपी करें और पेस्ट करें। अब हम स्वैप फाइल एक मेक करेंगे उसको, मतलब डायरेक्टरी बनाएंगे इसके। अब हम करते हैं स्वैप एंड शो, तो यहाँ से हमें बता देगा ये। देखें 2 GB हमारी बनी हुई है। फ्री डैश एच पी करते हैं, यहाँ से हमें बन गया, लेकिन अभी हमें हमारी परमानेंट नहीं बनी, ये टेम्परेरी है। परमानेंट बनाने के लिए अभी हम करेंगे ये, अब परमानेंट के स्टेप हम कर रहे हैं आगे। अब जितने स्टेप आ रहे हैं आप इसको फॉलो करते रहें, आपकी स्वैप परमानेंट बन जाएगी। तो हमें इसको कॉन्फ़िगर फाइल में भी इसको करना होगा। ये जो कैशे है ये कम से कम रखें, ज़्यादा अच्छा होता है। जो इसमें बताया हुआ 50 बताया हुआ है, तो हम इसका 50 रखते हैं। और इसको फाइल में भी हमें सेव करना होगा जैसे बताया हुआ है। तो ये हमने सारे स्टेप फॉलो कर दिए हैं, और हमारे स्वैप जो है वो परमानेंट बन गई है। और अब आप दोबारा से उसको करेंगे npm run build वगैरह, npm build जो भी आपने करना है, तो अब आपका एरर नहीं आएगा।